दोस्त की और शक के दायरे में उस वो ही थी दोस्त जो उस घर में मौजूद थे। मैं इस समय पर आपको क्राइम सीन दिखाते हैं, ये वो मकान है, मैं उसी घर पे मौजूद हूँ जहाँ पर रात में करीब कहा जा रहा है कि सुबह 4 बजे जब पुलिस को सूचना मिली, पुलिस ने इस कमरे को पूरा सील कर दिया है। ये आशु किशोर जो कौशल किशोर के बेटे हैं उनके दोस्त और वो अक्सर इसी मकान में रहते हैं। ये कौशल किशोर का ही घर है, ये कहा जा रहा है कि ये कौशल किशोर इसी कमरे में जो घर है यहाँ पर आशु किशोर जो उनका बेटा है कौशल किशोर के अनुसार वो 4 बजे कल दिल्ली चला गया था फ्लाइट से। उसके दोस्त यहाँ पर रुके हुए थे जिसमें विनय श्रीवास्तव था, उसके 3 अन्य दोस्त थे शमीम बाबा, अजय रावत और अंकित वर्मा, ये 3 दोस्त थे और साथ में विनय श्रीवास्तव भी रुका हुआ था। विनय श्रीवास्तव की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। मौके से जो पिस्तल बरामद हुई वो कौशल किशोर के बेटे की है, आशु किशोर की है, जो उसका जो लाइसेंसी पिस्टल है जिसको पुलिस ने सीज कर दिया है। अब पुलिस ने उन 3 दोस्तों को हिरासत में लेकर के पूछताछ शुरू कर दी है कि आखिर घटना कैसे हुई। सबसे बड़ी बात कि घटना कैसे हुई, क्या उस 4 दीवारी के अंदर जो कमरे के अंदर दोस्त मौजूद थे उनके बीच में झगड़ा हुआ और फिर किसी मामूली झगड़े के बाद विनय श्रीवास्तव की दोस्तों ने ही गोली मारकर हत्या कर दी और वो जिस पिस्टल से गोली मारी वो आशु किशोर की थी, या फिर बाहर से किसी व्यक्ति ने आकर के दरवाजे से कहीं से घुस करके फोर्स एंट्री करके हत्या कर दी है। ये पुलिस के लिए एक सबसे बड़ी पहेली है। लेकिन अभी तक जो शक के दायरे में है वो आशु किशोर के वो जो 3 दोस्त थे जो उस वक्त मौके पर मौजूद थे वो हैं, उनसे हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। जो मौके से पिस्टल है उसको फॉरेंसिक के लिए भेजा गया है, फॉरेंसिक रिपोर्ट से ही खुलासा होगा कि विनय को जो गोली लगी वो इस पिस्टल से चली थी कि नहीं, क्योंकि कौशल किशोर का तो कहना है कि उनका बेटा कल शाम को 4 बजे ही दिल्ली चला गया था। उनकी माँ की तबीयत खराब है, जो विधायक है मलिहाबाद से बीजेपी की, वो उनके इलाज के लिए वो चला गया था शाम को 4 बजे और रात में ये घटना हुई है, तो उनके बेटे का इससे लेना देना नहीं है। लेकिन शक तब गहराता है जब आशु की पिस्टल यहाँ पे मिलती है मौके से। अब पिस्टल उनके पास कैसे पहुंची, पिस्टल आशु की थी तो क्या खुले में रखी थी जिसका, या वो पिस्टल वही लोग रखते थे, ये तमाम सवाल आते हैं जो पुलिस हिरासत में लेकर के पूछताछ कर रही है। लेकिन इतना जरूर है कि बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर के बेटे की घर में जो उसके दोस्त की हत्या हुई है उसमें जो पिस्टल मिली है वो कौशल किशोर के बेटे की लाइसेंसी पिस्टल है। मैंने जो पुलिस कमिश्नर साहब हैं उनको फोन किया मैंने और उनको घटना के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा मैं DCP और फॉरेंसिक टीम भेज रहा हूँ, उन्होंने भेजा, वहाँ मौके की सब जाँच हुई है और जो लोग घटना घर में मौजूद थे वो उनको पुलिस ले जाने का काम किया है। क्या ये जो मौके से जो घर है वहाँ पे और कौन कौन लोग रहते थे और मौके से चूंकि आपके बेटे की लाइसेंसी पिस्टल मिली है? नहीं, वो घर है और विकास किशोर उसी घर में रहता है, हमारे घर है वो और उसमें रहता है, तो वो दिल्ली गया था इसलिए पिस्टल अपने घर में रख करके गया था, क्योंकि दिल्ली पिस्टल ले जाने का कोई औचित्य भी नहीं था और फ्लाइट से गया था तो जा भी नहीं सकती थी और केवल उत्तर प्रदेश तक ही उसकी मान्यता है तो ऐसे भी नहीं जा सकती थी, तो घर में ही पिस्टल रख करके जाएगा, तो घर में पिस्टल रख करके वो गया था। अब ये पिस्टल किसको मिली, कैसे मिली, ये पुलिस जांच कर रही है। जो आपके बेटे हैं आशु वो दिल्ली गए थे तो ये लोग वहाँ पे घर पे क्या उनके एब्सेंस में भी रुकते थे, उनके दोस्त थे ये जो लड़का मरा है और जो 3 लोग हिरासत में ले गए, ये क्या इनके दोस्त हैं, कौन है? हाँ, दोस्त हैं इनके, ये दोस्त हैं, सब आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं और ये सब लोग, ये घटना के बाद भी कोई गया नहीं है, ये सब लोग वहीं मौजूद मिले हैं और मौजूद रहे हैं और पुलिस वहीं से उनको बुला के ले गई। आपकी शुरुआत में कुछ से बातचीत हुई होगी तो क्या घटनाक्रम बताया कि ये कैसे घटना हो गई, गोली कैसे चल गई? देखिए, मेरी बातचीत उन लोगों से नहीं हुई और इसलिए मैंने बातचीत भी कोई नहीं किया इस संबंध में, क्योंकि ये जांच का विषय है, इस संबंध में पुलिस उनसे जांच करेगी, बातचीत करेगी तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा, इसलिए मैंने उन लोगों से कुछ नहीं पूछा, केवल उनके परिजनों से मैं मिला, बातचीत किया और उन लोगों ने जो बात आई वो तहरीर भी उन लोगों ने दिया है, अब पुलिस उस पर जांच कर रही है।